So what's up guys, welcome back to my YouTube channel Konnichiwa India. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हमारे YouTube चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं. बैकग्राउंड नॉइस भाई, लाइक एक अलग ही फीलिंग आ रही है यार, मतलब दिल खुश हो गया यार. मतलब जैसे जब तक आपके चैनल पे 4 digits नंबर है, लाइक जब तक 9999 था, तो भाई एक फीलिंग थी, पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग थी. तो भाई उस टाइम ये था यार कि लाइक फटाफट 10,000 हुए, फटाफट 10,000 हुए. बट जैसे भाई 10,000 हुआ तो भाई दिल खुश हो गया यार. तो दोस्तों वीडियो चालू करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे एल्विश यादव की. जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिग बॉस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट बिग बॉस से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो भाई अभी तक खत्म नहीं हो रहे. लोगों का ट्विटर हैंडल पे इतना डिबेट चल रहा है कि भाई एल्विश यादव इतने परसेंट से जीता है, अभिषेक और एल्विश पे इतना कंपैरिजन है, इतने वोट्स मिले हुए हैं, जो कि ऑफिशियली अभी तक एंडमोल ने कंफर्म नहीं करा हुआ है. तो उस बात को लेके एल्विश यादव का कुछ ये कहना है. ट्विटर हैंडल से लड़ रहे हैं कि इसको अभिषेक को इतने परसेंट वोट्स मिले, एल्विश को इतने परसेंट वोट्स मिले. भाई देखो सच बता रहा हूं तुम्हें, सच मुझे जो मैंने बताई थी 280 million वाली बात वो अलग है, वो मेरे को बताई, किसी और का नहीं बताया मुझे कि उसको इतने मिले, वो इतने वोटों से आ रहा. तो जो ऑफिशियल ये जो रिकॉर्ड है ना, ये किसी के पास नहीं है, ना किसी सोशल मीडिया हैंडल पे है, ये सिर्फ भाई उन्हीं के पास है, एंडमोल वालों के पास. अगर वो खुद से लिखेंगे तो ही मानना, किसके 40% किसके 50%, कोई खुद से लिख रहे ना आपस में कहीं ट्विटर हैंडल के, भाई टक्कर थी, बहुत काटे की टक्कर थी, होगी बिल्कुल होगी, क्या पता ना भी हो, कुछ भी हो सकता ना, दूसरे का नहीं पता ना मुझे. तो जिस पे लड़ाई बज रही है सब हैंडल्स की कि भाई ऐसे था वैसे था, भाई यार वो कर दो यार, लड़ाई माफ करो. हां भाई बिग बॉस खत्म हो चुका, गाइस बिग बॉस खत्म हो चुका, अब उसकी लड़ाई खत्म कर दो कि कौन जीता. जीत गया मैं, आगे रिकॉर्ड में है यार, जीत गया मैं, खत्म करो इस बात को. अब इसको ना कोई हेट फैलाओ, ना कुछ गलत सलत बोलो, ना कुछ भी ऐसा बोलो कि वो ये वो ऐसा कह रहा, उसने ऐसा कह दिया, इसके साइड ये था उसके साइड था. तो दोस्तों बात करते हैं अब हम दूसरे अपडेट के बारे में. दूसरा अपडेट है बेसिकली अभिषेक मल्हान का फुकरा इंसान की तरफ से कि भाई जिया और अभिषेक का यानी कि अभिया का एक म्यूजिक वीडियो बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर आने वाला है, और उन्हीं की शूट लोकेशन से उनका एक फोटो, ये वाला पिक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है. एंड दूसरी बात ये, अभी जस्ट एक जिया की मदर के साथ रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुझे ये जोड़ी बहुत ही पसंद है एंड मैं चाहती हूँ कि अभिषेक जल्दी हमारा फैमिली मेंबर बन जाए. बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार देती हूँ, दे रही हूँ, और वो मैं चाहती हूँ कि हम फैमिली मेंबर जल्दी बने. तो भाई इस चीज को लेके भाई इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी है कि भाई ये जो फैमिली मेंबर बनने वाली बात है ये बेसिकली मैरिज को लेके है या इससे कुछ और कनेक्शन है. तो इसको क्लेरिफाई करते हुए जिया शंकर ने कुछ ये कहा. अभिषेक इज ऑफ कोर्स ही इज लाइक फैमिली, ऑफ कोर्स शी विल ऑलवेज ट्रीट हिम लाइक यू नो, वो हर किसी को, इवन मनीषा, इवन अभिषेक और एनीबडी एल्स फ्रॉम द हाउस, वो सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है. दैट इज व्हाट शी मेंट व्हेन शी सेड एक फैमिली बन जाए. नो प्लीज उसको किसी और एंगल में मत लेके जाना, इससे वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड इट्स गुड दैट वे, वी आर वेरी हैप्पी दैट वे, वी आर स्टार्ट. तो बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में. जैसे कि आपने देखा कि ट्रिगर्ड इंसान को स्पॉट करा गया मुंबई एयरपोर्ट पे, तो भाई वहां पे मीडिया वाले हर जगह पहुंच जाते हैं भाई. तो मीडिया वालों ने भाई जम के क्वेश्चंस करे अपने ट्रिगर्ड इंसान से. जितवाया एल्विश को तो वो डिजर्विंग तो था ही. नहीं 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 ऐसे नहीं बोल सकते. अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वन मैन आर्मी कुछ नहीं था, यू नो वेरी टच्ड क्योंकि मनीषा वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम. तो उनका एक म्यूजिक वीडियो का शूट है विद जिया, और उनसे जब पूछा गया कि भाई आप क्या सोचते हैं कि डिजर्विंग विनर कौन है बिग बॉस का, तो ट्रिगर्ड इंसान ने बोला कि भाई मेरी तरफ से या जनता की तरफ से अगर जनता ने पसंद करा है तो भाई एल्विश यादव ही विनर है बिग बॉस का, बिकॉज ही डिजर्व इट. और जहां नंबर ज्यादा है वही वोटिंग ज्यादा है, तो एल्विश यादव डिजर्व करता है जीतना. तो दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल अपडेट के बारे में. यार ये अपडेट नहीं है, एक जनरल चीज है कि भाई देखो इंडिया में यार हर एक चीज की कॉपी हो सकती है, हर एक चीज बन सकती है. अभी रिसेंट पे ही मैंने भाई एक पोस्ट देखी, मैंने ये पोस्ट अगर आपको विजिबल है, ये देखो भाई एक बंदा यूट्यूब बटन बेच रहा है. यू कैन से लाइक आपको लाइक 1 lakh सब्सक्राइबर, लाइक 1 lakh सब्सक्राइबर्स का आपको यूट्यूब प्ले बटन मिल जाएगा, बट इस पर आपका नाम मेंशन नहीं होगा. और इसकी जो कोस्टिंग है वो है 24,000 rupees. ये इंटरनेट पे भाई अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो. मतलब भाई क्या सीन है यार, मतलब अब तो भाई कोई 10,000 वाला बंदा अगर ले सकता हो तो भाई वो भी ले के पीछे लगा के बैठ जाएगा यार, ये क्या चीज़ है भाई.
मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो भाई एक अचीवमेंट से मिलता है। कोई बंदा अगर मेहनत करता है किसी चीज़ के लिए तो ये भाई उसी को ही मिलना चाहिए। बट कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मेहनत के बाद मिलती है, बट अगर वो इजीली अगर आप पैसों से परचेज कर पाओ और वो खरीद के अपने घर में ले आओ तो भाई उस चीज़ की यार कोई वैल्यू रहती नहीं यार। तो भाई ये सब चीज़ें यार इंटरनेट पर बंद कर दो। ये देखो भाई ये पोस्ट, मुझे नहीं पता भाई कौन बंदा है कहाँ बेच रहा है, बट ये जस्ट मैंने पोस्ट देखी, मैंने पोस्ट देखी फेसबुक पे किसी ने लाइक डाला हुआ था ही वॉन्ट्स टू सेल दिस यूट्यूब बटन, और इस पर कोई नेम मेंशन नहीं है किसी का। जस्ट इन केस अगर आपको फ्रेमिंग के लिए चाहिए अपने घर पे लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो, और इसकी कॉस्टिंग है 24,000 रुपीज़। तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप ये यूट्यूब प्ले बटन परचेज करना चाहते हो।